हल्का वाला पंच गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम आए हैं अपने ही फरीदाबाद के मेले में, बल्लभगढ़ में ये मेला लगा है। और यहाँ पर ऑल डिटेल मैं आपको बताऊँ, इससे पहले यहाँ पर इतना ज्यादा शोर आ रहा है, मैं आगे बोल ही नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है आगे का सारा वीडियो वॉइस ओवर से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। काइंडली कोऑपरेट करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये हमारे शहर में ही लगा है बल्लभगढ़। तो सारी डिटेल्स हम आपको वॉइस ओवर के थ्रू बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो गाइस, ये मेला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के तशेरा ग्राउंड में लगा हुआ है। ये 25 अगस्त से शुरू हुआ था, 18 सितंबर तक है। ये शाम को 5 बजे से शुरू होता है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजा नाहर सिंह। वहां से आप पब्लिक शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं या फिर आप वॉक करके भी आ सकते हैं। और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर पार्किंग के भी कोई चार्जेस नहीं है। तो बल्लभगढ़ का ये मेला भी काफ़ी बड़ा मेला है। यहाँ पर जो मैंने यूनिक चीज़ देखी वो ये कि यहाँ पर वैरायटीज़ बहुत हैं राइड की, और जो राइड्स हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में भी हैं। मतलब जो बड़ी राइड्स होती हैं वो भी दो दो राइड्स हैं, तो इसलिए ये मेला काफ़ी यूनिक सा बनता है। बाकी बच्चों के लिए भी यहाँ पर राइड्स की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो भी काफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों की राइड से याद आया, कुछ राइड्स तो फिर मंजू भी ले सकती थी। हाँ, पर उसमें फिर भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि जो मेरे लायक थी। तो उसमें तुम्हें डर भी नहीं लगता और ले सकते? गोल गोल घूमती है ना, तो मुझे गोल गोल में भी डर लगता है। तो गाइस, इन्हें तो राइड से डर ही लगता है। खैर, इससे मुझे फायदा ही हो जाता है वैसे तो। और क्या जी, आपके पैसे बचा देती हूँ, इससे अच्छी बात कहाँ होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर जो राइड्स की टिकट की वैल्यू है वो 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, तो इसी तरह से है। तो मुझे तो जो राइड के चार्जेस लगे वो थोड़े से कम ही लगे कंपैरिजन टू दिल्ली, तो ये तो एक फायदा लगा इसमें। तो गाइस, यहाँ पर ज्वेलरी के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे और प्राइस रेंज भी इसकी बहुत ही किफ़ायती थी। जो ज्वेलरी थी वो 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, जिनको आप पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की इयररिंग्स भी थी, नेक सेट्स थे वहाँ पर, तो बहुत सारे वैरायटी ऑप्शंस थे। और चूड़ियाँ भी थी यहाँ पर बहुत सारी, जो तरह तरह की डिज़ाइंस और पर्स बैग्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोई टॉयज हैं जितने तरीके भी, अगर वो आप लेते हो कोई सा भी, तो ये 60 रुपए के हैं। कोई भी लो, 60 रुपए का किफायती। दिल्ली वेट कर दिया यहां पे पूरा की सेट। अगर आपको चाहिए तो आप 60 रुपए अपने किचन सेट कर सकते हो। ये डॉल्स के साथ 700 का नोट भी है। यहाँ पे देखते हैं कितने रुपए की सेल चल रही है। ये सेल मतलब 10 रुपए 20 रुपए है, ये मिक्स है। इसमें देखो ये वाली इयररिंग्स कितनी प्यारी है ना। यहाँ पर आप अपने नाम का भी ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। बियर मग, अल्कोहल पंच, रिवॉल्वर्स। और गाइस, यहाँ पर खाने पीने के भी काफ़ी आइटम्स हैं। फलूदा है, राम लड्डू है, जूसेस हैं। तो पिज़्ज़ा भी है यहाँ पर 100 रुपये में। और गोलगप्पे भी यहाँ गणपति महोत्सव के मेले की तरह पैकेट में ही रखे गए हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग था फ्रूट आइसक्रीम। फ्रूट आइसक्रीम कुछ इस तरह से बनाई जाती है, इसके रोलर के ऊपर जूसेस डाल दिए जाते हैं फ्रूट्स के, तो उसका जो फ्लेवर है वो आइसक्रीम में आ जाता है। और ये पूरा ना ठंडा है, पूरा बर्फ टाइप है ये, और जैसे जैसे इस पे फ्रूट जूसेस गिरते रहते हैं तो वो उस पे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, और बाद में उसमें से बढ़िया वाली आइसक्रीम निकल जाती है। कितने की बिल पूरी? 20 रुपए की।
और गाइज इस मेले में जो सबसे ज्यादा थ्रिल वाला पार्ट था वो था मौत के कुएं को देखना। तो वहां पर मैं अकेला ही गया, मंजू नहीं गई, उसको देखने में भी डर ही लग रहा था। तो वो नीचे से वेव कर रही है और यहां से मैं आपको व्यू दिखाऊं तो अल्टीमेट व्यू है पूरे मेले का। तो गाइज इसमें क्या होता है कि कुछ स्टंट्समैन बाइक और गाड़ी को इस कुएं टाइप के अराउंड चलाते हैं और इतनी उन्हें प्रैक्टिस होती है कि वो ये बहुत स्टेबल तरीके से कर पाते हैं। तो काफी कमाल का ये देखने में लगता है। सलमान खान की फिल्म भारत में रहेगा।